हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके फ्रेंड मिश्रा जी। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हो कि 500 रेस फॉर ऑल, जी हाँ फ्रेंड्स, मूवीकी की तरफ से एक जबरदस्त धमाकेदार लूट निकल के आई है, जहां पे दोस्तों आपको फ्लैट 500 रुपीज करके मिलेगा पर रेफर। जी हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज आपको लिए बता देता हूँ भाई, इस वीडियो पे जितना रेफरल जनरेट होगा वो पूरे का पूरे जाएगा आप लोगों के नाम, मतलब कि पूरे वीडियो की कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मैं खाली छोड़ दूंगा, जहां पे आप लोग अपना अपना रेफरल कोड कॉमेंट करोगे और भाई पर रेफरल यहाँ पे 500 रुपीज करके मिलने वाला है। जबरदस्त लूट है, पूरा लाइव अप्लाई करके ऑफर को दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहले तो चलो दोस्तों, मैं इसका प्रूफ से शुरुआत करता हूं। देख लो दोस्तों, यहां पे मोबीक्विक का एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि 500 रुपीज का देखो रेफरल बोनस जो कि अब मिल चुका है। और यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, एक और स्क्रीनशॉट जहाँ पे दिख रहा है कि दो रेफरल हुआ है और उनमें से एक रेफरल का पैसा मिला है 500 रुपया। आपने देख लिया तो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि मोबीक्विक के कौन सा फीचर्स की वजह से ये जो रेफरल ऑफर आया है, चलिए दोस्तों उसके ऊपर आपको डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एकदम ऑफर, मतलब कि लाइव कहाँ पर ऑफर आया है, क्या नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल्स के साथ बता देता हूँ। तो देख लो दोस्तों, मोबीक्विक का एक ऑफर आया है, जहाँ पर दोस्तों मोबीक्विक एक्स्ट्रा नाम से मतलब कि चलता है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा पे क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ये जो मोबीक्विक एक्स्ट्रा आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली दोस्तों जैसे कि 12% क्लब ऐप था ना, आई होप आप सबको पता है 12% क्लब पे क्या है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते थे उसका 12% आपको ईयरली कमीशन, मतलब कि ईयरली इंटरेस्ट मिलता था और हर रोज अपने अपने इंटरेस्ट जो किया वो क्रेडिट हो जाता था। तो मोबीक्विक भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ आया है, जिसका नाम है दोस्तों एक्स्ट्रा। मोबीक्विक एक्स्ट्रा 12% यहाँ पे मिलेगा और अगर इसकी एक लॉकिंग पीरियड है, अगर 3 महीने की लॉकिंग पीरियड पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12% की जगह 12.99% जो कि मतलब कि मिलता है, ऑलमोस्ट 13% की रिटर्न मिलता है। बट फ्लेक्सिबल पे जहाँ पे एनी टाइम आप पैसा को विड्रॉ कर पाएंगे, अगर उस पर इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपको 12% के हिसाब से मिलता है। बट हमारा जो मेन टारगेट वो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हम क्या करेंगे इसका जो रेफर एंड अर्न ऑफर है, जहाँ पे दोस्तों आपको जबरदस्त अर्निंग होने वाला है, उसका जो क्या फायदा उठाएंगे। तो आप देख लो दोस्तों, 12% क्लब का जैसे कि कॉन्सेप्ट था, यहां पर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा यहां पे देखो, अर्न डेली इंटरेस्ट और मिनिमम 1000 रुपये से मतलब स्टार्टिंग वगैरह होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो जो भी है भाई, चलो अभी मेन ऑफर्स की ओर जाते हैं और आपको बता देते हैं कि मेन ऑफर्स पे आपको करना क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबीक्विक को ओपन कर लेना है। मोबीक्विक को ओपन करने के बाद आप एक काम करो, प्ले स्टोर से अपडेट ही कर लो। अपडेट करने के बाद ऊपर में देखो मोबीक्विक 12% मतलब कि इंटरेस्ट ऐसे करके एक ऑप्शन दिखेगा मोबीक्विक एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक कर दोगे दोस्तों, आपको मेरे से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आता है, एक होता है दोस्तों फ्लेक्सी और दूसरा होता है प्लस। तो आपको फ्लेक्सी पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद वहां पे देखो भाई, अगर आपको रेफरल कोड, जैसे कि मैं किसी का रेफरल लिंक से आया हूं इसलिए यहां पे रेफरल अप्लाइड दिखा रहा है, लेकिन आप जब किसी का रेफरल लिंक से नहीं जाओगे, खुद से जाओगे, तो अप्लाइड रेफर कोड बोल के एक जगह आएगा। तो अप्लाई रेफर कोड पे आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो की कमेंट सेक्शन पे, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे बहुत लोग अपना अपना रेफरल कोड कमेंट करेगा, उनमें से किसी का भी, आप किसी का भी मर्जी रेफरल कोड को वहाँ से उठाओ और अपनी यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई कर दोगे बस काम खत्म। अभी जो किया है दोस्तों, मतलब कि फ्लेक्सी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करो। अभी यहाँ पे पैसा एंटर करने का जगह आता है, 1000 ऑटोमेटिकली एंटर होकर रहता है। बट ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन की हिसाब से मिनिमम 5000 रुपीज आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा और उसको ओनली 7 वर्किंग डेज तक होल्ड करके रखना है, तो बस 500 रुपीज जो कि वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना होगा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले आपका मोबीक्विक का अकाउंट फुल केवाईसी होना चाहिए, मतलब कि आपके मोबीक्विक पे केवाईसी होना ही चाहिए। अगर मोबीक्विक पे केवाईसी नहीं है तो बस अपना आधार ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, एकदम ईजी प्रोसेस है। मेरा केवाईसी ऑलरेडी है इसलिए मुझे कोई भी यहाँ पे केवाईसी नहीं मांग रहा है। तो अभी देखो मैंने 5000 किया, उसके बाद जैसे सबमिट किया यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। ऑप्शन क्या आया है भाई, देखो एक मतलब कि बैंक अकाउंट, मतलब कि IMPS और RTGS के माध्यम से अगर हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए एक बैंक अकाउंट आ जाएगा और नीचे दोस्तों आपका UPI के साथ लिंक जो बैंक है वो दिखेगा। अगर आपका UPI के साथ लिंक जो बैंक है उधर से पे करना चाहते हो तो उधर से कर सकते हो, या तो फिर देखो जैसे कि मैं IMPS से पेमेंट करना चाहता हूँ तो IMPS वाला ऑप्शन को चूज किया, तो यहाँ पे एक बैंक डिटेल्स आ जाता है। देख लो, तो ये जो बैंक डिटेल्स अभी आ गया, इस बैंक डिटेल्स को लेकर मैं पेटीएम से पेमेंट करूँगा। तो अभी मैं जाऊंगा कहाँ, अभी मैं जाऊंगा पेटीएम पर। तो पेटीएम पे जाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जो लोग पेमेंट करोगे, खास करके उनके लिए मैं बता देता हूँ,
पहले आपको अपनी पेटीएम की प्रोफाइल पे जाना होगा, पेमेंट सेटिंग पे जाना होगा, उसके बाद यूपीआई सेटिंग पे जाके पेटीएम पेमेंट बैंक को आप जो यूपीआई पे लिंक करके रखे उसके पहले रिमूव कर लो। हो गया रिमूव। अभी दोस्तों आप जो बैंक वाले सेक्शन है, बैंक वाले मतलब बैंक ट्रांसफर वाले सेक्शन पे चले जाना, उसके बाद वहाँ पे जो किया आपको उधर से जो कॉपी किया है आपको डालना होगा। बट मेन केस में क्या होता है, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो आपका मैं समझा देता हूँ। वहाँ पे देखो मतलब कि जो बैंक ट्रांसफर वाले जो फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर आपको डालने का जगह होता है, यहाँ पे दोस्तों IFSC डालने का एक जगह होता है, लेकिन अकाउंट नंबर यहाँ पे दोस्तों 123 ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो 123 है ना, इस जगह पे जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे दोस्तों ABC ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ABC के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो अभी दोस्तों वहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स मिलता है ना, वहाँ पे बैंक डिटेल्स डालने के लिए तो पहले दोस्तों कुछ मतलब कि कैपिटल लेटर रहता है, तो इसीलिए 123 अगर रहेगा तो वहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा नहीं। तो कैपिटल लेटर को डाल के मतलब कि पूरे अकाउंट नंबर को भरना होगा, IFSC कोड को भरना होगा, उसके बाद अगेन नेम, तो नेम भी उधर पे रहता है तो नेम को यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे री एंटर करके आप जैसे सबमिट करोगे या फिर ओके करोगे बस आपका काम हो गया खत्म। उस स्टेप से जैसे आप कर दोगे आपको बोला जाएगा कि 30 मिनट के बाद जो क्या आप यहाँ पे NFT या फिर IMPS कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं 30 मिनट के लिए वेट किया, उसके बाद जाके जैसे ही यहाँ पे मैंने 5000 रुपीज़ का पेमेंट किया, 5000 रुपीज़ डाल के जैसे किया ऑलरेडी एकदम इंस्टेंट सक्सेस हो गया। वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, देखो दोस्तों ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसको कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद आपको वही MobiQuick एक्स्ट्रा पे जाके वहाँ पे ठीक है जो UTR नंबर सेंड करने का एक जगह रहता है वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देते हैं दोस्तों दिखाता है कि 30 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है, और 30 मिनट के अंदर जो कि है दोस्तों ये जो 5000 रुपीज़ ये मेरा इन्वेस्टेड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके इन्वेस्टेड कंप्लीट हो जाता है। और उसके नीचे देखो यहाँ पे लिंक योर बैंक अकाउंट टू विड्रॉ एनी टाइम, ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया इसको एनी टाइम कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और इसका जो इंटरेस्ट है ये भी दोस्तों नेक्स्ट डे से, जैसे कहा 24 तारीख है तो मेरा 25 तारीख से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब भारत पेपर 3 से 4 दिन के बाद इंटरेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट 1 दिन के बाद ही इंटरेस्ट आना जो कि स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी है खैर छोड़ो उसको। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर जो बैंक अकाउंट लिंक करने का जगह है वहाँ पे जो कि जिनकी KYC डिटेल्स है उनका कोई भी बैंक डालोगे, पेटीएम पेमेंट बैंक भी चलेगा, कोई भी बैंक डालोगे बस इंस्टेंटली दो किया बैंक वेरीफाई हो जाएगा। बट एक बाग है यहाँ पे, जो लोग मतलब कि जिनके पास 5000 रुपीज़ नहीं है, जो लोग डिपॉजिट नहीं करना चाहते उनके लिए जो कि है ये बाग थोड़ा सा पैसा मतलब कि अर्न करने का मौका देगा। यहाँ पे जिनके नाम पे KYC है अगर उनकी छोड़ के मतलब कि उनका छोड़ के किसी और का बैंक डिटेल्स जितने बार डालोगे उतने बार जो क्या अप टू 2 रुपीज़ तक उनकी बैंक पे क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, तो आप इस काम को भी आप करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो जिनका KYC है उनका बैंक डिटेल्स दोगे तो इंस्टेंटली बैंक ऐड हो जाएगा, बस कंप्लीट। अभी 30 मिनट वेट करने के लिए बोला जाता है, तो 30 मिनट वेट करो, 30 मिनट के बाद देख लो दोस्तों। जैसे कि मैंने 30 मिनट के बाद वेट किया तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो क्या 5000 रुपीज़ आ गया जो कि डैशबोर्ड पे मेरा शो कर रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट चालू होगा 25 तारीख से, वो भी दिखा दिया। अभी नीचे देखो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ गया, तो अभी यहाँ पे रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता दिखा दिया कि देखो दोस्तों पार रेफर पे 500 रुपीज़ करके मिलेगा, और पार रेफर पे 500 रुपीज़ तभी मिलेगा, यहाँ पे नो मोर पे जाएंगे तो पूरा दिखा देगा कि 500 रुपीज़ करके तब मिलेगा जिनको आप रेफर किया, वो अगर 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करके उसको 7 डेज मिनिमम 7 डेज तक उसको मतलब कि वहाँ पे डिपॉजिटेड रखे, और 7 डेज डिपॉजिट रखने के बाद 500 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही 500 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद वो जो 5000 रुपीज़ उसको इंस्टेंट विड्रॉ कर लेना, आपको 24 घंटे के अंदर आपकी विड्रॉ किया हुआ पैसा मिल जाता है अपने बैंक अकाउंट पे। आपको कुछ प्रूफ भी मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप कुछ प्रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पे देख लो एक भाई ने भाई रेफ़र किया था यहाँ पे तो 500 रुपीज़ उनको मिल गया, और यहाँ पे MobiQuick की बात है तो भाई मतलब कि रेफ़र का पैसा मस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप से जो टाइप से आपने इन्वेस्ट किया उसी सेम टाइप से आपकी दोस्त को इन्वेस्ट करवाना है तो 500 रुपीज़ करके मिलेगा। इस वीडियो पे मैं कोई भी रेफरल कोड वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, पूरा आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। आप लोग जाओ अपने अपने रेफरल कोड कमेंट सेक्शन पे डालो, और बस 7 डेज के लिए बस 5000 रुपीज़ रखो और 500 करके कमा के लेके जाओ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके हमारे हौसला बढ़ा दीजिएगा, और ऐसे टॉपिक सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और कोई मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद।